आप लोगों को वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा चल रही थे, जिसमें क्लास एट और क्लास फाइव का परीक्षा हो गया है और बचा हुआ है क्लास वन से फोर नीचे और फिर बचा हुआ सिक्स टू एट का। लेकिन आज जो है आपका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सर शैक्षणिक गतिविधि में मूल्यांकन करना है कई बिंदु पर, तो हम लोग आज क्लास सिक्स, क्लास सेवन और क्लास एट का करेंगे, जिसमें आपका जो बिंदु है आपका नियमितता, समयबद्धता, सहयोग की प्रवृत्ति, वर्ग में सक्रियता, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति, खेल कूद, साफ सफाई, गीत गान, चित्रांकन, है ना? तो आप लोग सभी तैयार है ना? शैक्षणिक गतिविधि पर हमें कुछ करने का मौका मिला है। ऐसे तो कई टॉपिक मिले हैं, पर हम उसमें से मुख्य रूप से एक टॉपिक मिला है, जैसे में स्वच्छता। स्वच्छता हमें क्यों जरूरी है, पहले ये जानना है कि स्वच्छता हमें क्यों जरूरी है। स्वस्थ हम लोग नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जैसे में हम लोग को नाखून काटना है, काट कर रखना है और ताजा खाना खाना है। अगर बासी खाना खाएंगे तो हमें हमारे अंदर अनेक तरह की बीमारियां होगी। और खाने के पहले हाथ को साबुन से धोकर खाना है। सभापति महोदय, शिक्षकगण, आज बहुत हर्ष की बात है, सर शैक्षणिक गतिविधि के अवसर पर हमें कुछ करने का मौका मिला है या गाने का मौका मिला है। है नशा मुक्ति। नशा न करना मान लो कहना, प्यार भाई बहना, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, पागल पिरोगे तुम बाजार में, रोते रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेगी इंतजार में, बिकेंगे गहना मान लो कहना, दर्द ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यार भाई बहना, होगी बड़ी खराबी। पीना भैया जल जाएगा करे जा, बात में आँखों में होगी सही, नींद न आएगी रात रात में, चौपट होगी हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, होगी बड़ी खराबी। गुटखा जो खाए भैया कैंसर बुलाए, बड़ी शौक से बापे और भैया रोए, छाती पिटेंगे बड़ी जोर से, दम निकलेगी अर्थी सजेगी, रोएगी प्यारी बहना, होगी बड़ी खराबी। जय जवान। बहुत सुंदर एक गीत के माध्यम से समाज में जो आज नशा का जो आदत लोगों में है, कितना उससे बर्बादी होता है, परिवार उजड़ जाता है, तो बहुत अच्छी रहा। पल्लवी कुमारी के लिए जोरदार ताली बजाइए। और अब साथ साथ आपका जो है शैक्षणिक मूल्यांकन का जो है हम समाप्त कर रहे हैं, इसके पहले हम चाहेंगे कि हमारे शिक्षक साथी शैक्षणिक मूल्यांकन का क्या महत्व है उसके बारे में आप बताएंगे कि पढ़ाई लिखाई के साथ अन्य गतिविधि हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो पल्लवी कुमारी का जोरदार ताली बजाएगी, बैठ जाएगी। हमारे विद्यालय का जो शैक्षणिक गतिविधि के आयोजन किया गया विद्यालय में, उसमें सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छे ढंग से अपना प्रस्तुतिकरण दिया। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान को बाहर की दुनिया से जोड़ना। जो वर्ग कक्ष के बाहर
कि दुनिया से ज्ञान को जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य यही है। किताबी ज्ञान के साथ साथ और भी जो अभिव्यक्ति क्षमता, संगीत, उसके बाद भाषण प्रतियोगिता, इस तरह चित्रांकन, ये इन विधाओं में जो बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसको कैसे निखारा जाए और उनका मूल्यांकन किया जाए, उनमें कितनी क्षमता है, वो इस इन गतिविधियों के द्वारा परिलक्षित होती है। तो हमारे विद्यालय का जो कार्यक्रम था वो बहुत सफल रहा, सभी विद्यार्थियों ने अपनी क्षमता के अनुसार इसमें भागीदारी की और हम अपेक्षा करते हैं कि आगे भी इस तरह की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। चलिए सर के लिए भी हम लोग एक जोरदार ताली बजाएंगे कि सर सक्रिय गतिविधि जो है आप इसके माध्यम से, खेल के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, चित्रांकन के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पर प्रतियोगिता होता है। अगर आप विद्यालय में बेहतर करते हैं तो आप क्या है, राज्य स्तर पर भी जाएंगे और अपना स्कूल का, अपना जिला का और अपना राज्य का क्या करेगा, नाम जो है रोशन करेगा। तो आज जो है आप लोगों को शुभकामना के साथ कि आप आगे बढ़े और आप कार्यक्रम को समाप्त करें।